बैक टू माई अनदर ब्लॉग। और आज है संडे, तो ऐसा था कि आज हम ब्रूनो को देने जा रहे हैं किसी को, क्योंकि हम ना मतलब हर्ष एडमिशन ले रहा है, तो वो शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पे भी एडमिशन लेगा, तो उसके साथ मम्मी भी शिफ्ट होगी। तो यहाँ पे फिर अकेले ब्रूनो कैसे रहेगा, क्योंकि हम वहाँ ले नहीं जा पाएंगे, यहाँ पे क्या कैसे रहेगा अकेले। तो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी कॉलोनी में एक दीदी रहती है, उन्होंने बोला कि मैं ले लूँगी, इसलिए आज हम उनके घर पर जा रहे हैं ब्रूनो को देने। देखते हैं कि वो कैसे मतलब रख पाएंगी, या फिर ये रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। तो उनसे मैं बोल दूँगी कि आप इसे रख लो, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना, मैं वापस आ जाऊँगी लेने। तो अभी देखते हैं एक दो दिन कैसा मतलब इसका जाता है, क्या करता है, फिर उसके बाद तो अगर वहाँ पर अच्छे से रहने का तो फिर इसके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। मतलब इसे रखने में कोई दिक्कत नहीं है, बट मतलब अच्छे से इसे ये खाना भी ना खा पाए, घूम भी ना पाए, तो उससे क्या फ़ायदा है। ये हमारे पास करेक्ट 3 महीने से है, इसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका है हमारा, मतलब मम्मी का, मेरा, हर्ष का, तो बहुत ही ज़्यादा अटैचमेंट हो चुका है। और दुख भी लग रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बार बार इसका फेस दिख भी ना इतना, मतलब दुख सा हो जाता है यार, अच्छी आती है इसकी, लेकिन यार क्या करें यार, कोई ऑप्शन नहीं है दूसरा कि मतलब क्या करें। पहला ऐसा कुछ पता नहीं था कि हर्ष मतलब एडमिशन बाहर लेगा, फिर वहाँ मम्मी को भी सेटल होना पड़ेगा, बिकॉज आजकल हर्ष अकेला नहीं रह पाएगा। तो अभी मैं चलती हूँ और दीदी का घर दिखाएंगे जिससे हमारा ब्रूनो जाएगा। और ये मेरा दोस्त अमित, हर्ष एक्टिवा पीछे खड़ी कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मजा अच्छा होगा, तेरी शक्ल देख के डर रहा है। नहीं तो अबे यार ये भौंक रहा है। हाँ भौंक रहा, वैसे ही वैसे डर रहा तू। वो पूरे घर में ऐसे घूमेगा, पहले सारा घर देख लेगा आपका कहाँ है क्या है कुछ है, फिर वो अपनी जगह बनाएगा, वहीं सोया करेगा। ब्रूनो मैं जा रही हूँ, पीछे भागे यार, रुक जा, पकड़ो पकड़ो, कैसे पकड़ोगे। ठीक है ब्रूनो, बाय यार, दुख सा लग रहा है मुझे बहुत। अबे चला जा यार, आ रही है बच्चा, बच्चा उसी से लग रहा है। वापस ले आई हूँ, मैंने रिकॉर्ड कुछ किया नहीं था उस वक्त जब मैं इसको वापस लेने गई थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ गया था, इस वजह से मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। बट हाँ, अब मैं अपने ब्रूनो को वापस ले आई हूँ, मेरा ब्रूनो, तो हम घर जाएंगे जल्दी से। और मैं नहा के नहीं आई थी, तो मुझे नहाना भी है, और मैं ब्रूनो को पराठा दूँगी तो खाएगा नहीं। सुनी देखो, समझ रहे हो, देखो दोबारा वही पराठा दूंगी। कितना चालाक है, रोटी में से भी टमाटर खा गया और पराठा छोड़ दिया। तो मैंने कल जो व्लॉग बनाया था कि मैं ब्रूनो को छोड़ने गई थी बट वापस ले आई थी, तो उसके बाद फिर मैंने वैसे मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, बट हाँ आज मैंने फिर दोबारा से व्लॉगिंग की है, बिकॉज अभी मुझ पर टाइम है। अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30, तो अभी मुझ पर टाइम है, तो अभी मैं नहाने जाऊंगी, तो मैंने सोचा थोड़ा व्लॉगिंग कर लेती हूँ। लेकिन हाँ, फिर हमने कल डिसीजन लिया कि हम ब्रूनो को कहीं नहीं देंगे, किसी को भी नहीं देंगे, बिकॉज मैंने तो मतलब जो हम ले गए थे तो हम ठीक था कि हाँ दे देंगे, बट उसके बाद जैसे ही मैंने दिया तो एकदम से मुझे इतना दुख हुआ और रोना आ गया, तो मैं वापस ले आई। और फिर प्लस मम्मी के भी फोन आ रहे थे कि अगर तुम नहीं लेके आओगे तो मैं दोबारा जाऊंगी वहीं पे और दोबारा लेके आऊंगी, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है ले लेते हैं। और इतनी देर में मम्मी ने नानी को भी फोन कर दिया कि वो दोनों दे आए हैं ब्रूनो को, तो नानी भी वहां से चिल्ला रही थी कि उसको क्यों दे आए हो। तो घर में तो सारे लोग ऐसे परेशान हो रहे थे, तो हम ब्रूनो को वापस so, फाइनली अब हमने ये सब ने सोच लिया है कि हम अब ब्रूनो को कभी भी किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि हम मतलब उसे हम बहुत छोटा था तब से लाए थे और अब हमें उसकी आदत हो गई है, उसको भी हमारी आदत हो गई है, तो वो भी नहीं रह पाएगा, हम भी नहीं रह पाएंगे। सो फाइनली
वो हमारे घर का एक मेंबर ही है था, लेकिन अब हमने सोच लिया फाइनली नहीं देना है। तो इसने मेरी पेंसिल के साथ क्या हरकत की है रात में। तो यहाँ मेरी पेंसिल रखी थी और इसने ये हरकत की है मेरी पेंसिल के साथ। मतलब मैंने कल नई पेंसिल ली थी और इसने वो भी खराब कर दी। तो हर्ष और मैं दोनों नहा के आ चुके हैं। ठीक है, आज का व्लॉग मैं यहीं खत्म करती हूँ। मैं मिलूंगी मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहो, देखते रहो, बाय।